नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुजरात में अमूल दूध के खिलाफ उठे विवाद ने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। अमूल जो कि गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण महासंघ द्वारा संचालित है और इन साइबर पुलिस पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई। इस शिकायत में कंपनी ने यह आरोप लगाया है कि कुछ व्यक्तियों ने सोशल मीडिया के ऊपर अमूल के दूध में यूरिया होने का दावा किया है और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला तब शुरू हुआ है जब गांधीनगर निवासी लक्ष्मीकांत परमार ने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो को पोस्ट किया और इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अमूल के पैकेट दूध के अंदर यूरिया पाया जाता। वीडियो में ये भी कहा गया है कि इस दावे की पुष्टि एक सरकारी की प्रयोगशाला ने भी की है और इस वीडियो के वायरल होते ही अमूल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अडलजल पुलिस थाने के अंदर प्राथमिकता को दर्ज करवाया। अमूल की शिकायत के अनुसार लक्ष्मीकांत परमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 505 के तहत मामले को दर्ज किया गया। कंपनी के वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक अंकित पारिक ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई और ये कहा है कि वीडियो का उद्देश्य अमूल ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना बताया गया। पुलिस अधिकारी SR मुच्छल ने यह बताया है कि इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जांच लगातार जारी है। यह मामला केवल अमूल तक सीमित नहीं, इससे पहले भी कंपनी ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपमानजनक सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है। देखो, एक तो तिरुपति का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया और इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा निकलेगा और उसके लिए वो लोग जो एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा। अगर ऐसे हर जगह धोखाधड़ी चलती है तो ये अच्छी बात नहीं है, भक्तों को भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर लोग श्रद्धा से जाते हैं। अगर श्रद्धा से जाने वालों को ऐसी चीज़ें अगर उससे मिलावट करके देते हैं तो ऐसे लोगों को शिक्षा होना चाहिए। और इसका जो कुछ भी है, मैं ये कहूँगा कि जब रिपोर्ट आएगा उस वक्त इसको देखा जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया ने इस विवाद को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अमूल उत्पादन के खिलाफ अपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश भी दिया था, जिसमें एक वीडियो में अमूल आइसक्रीम के डिब्बे में एक सेंटीपेड होने का दावा किया गया। आपको ये भी बताएं कि इससे ये स्पष्ट होता है कि कैसे गलत सूचना और अफवाहों पर ब्रांड की छवि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है और ये कर सकती है। अमूल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और इससे अपना ब्रांड की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम बताया। अपनी कंपनी को लेकर ये भी कहा है कि वह ऐसे किसी भी गलत सूचना अभियान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ताकि ग्राहकों का विश्वास हमारी कंपनी के साथ बना रहे। अमूल के 22 चेयरमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये अपील की है कि पीटा जैसे संगठनों को बैन लगाया जाए जो उनके अनुसार देश के डेयरी फैक्टर को बदनाम करने की लगातार कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस विवाद से ये स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर फैली गलत सूचनाएं किसी भी ब्रांड की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं और अमूल जैसे बड़े ब्रांड को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनकी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि ये अपनी छवि की रक्षा को लेकर हर संभव प्रयास भी करेंगे। भविष्य में इस तरह के मामलों से निपटने को लेकर कंपनियों को अधिक सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी ताकि वे अपने ग्राहकों में विश्वास पैदा कर सकें और कोई भी उनके ग्राहकों को ना बलगला सके।